अरे कोई सुनाई नहीं करे, कोई सुनाई नहीं करिया है। हमारे मर्जी होएगा तो देंगे, जिसका बटन दबा देंगे और क्या, पर विकास नहीं है। समस्या तो बहुत ज्यादा है जी, लेकिन बता नहीं सकते पूरी समस्या। आज भारत में ऐसी कोई पार्टी लगती है आपको जिसने हिंदुओं का हित किया है? सब यही है, यही लाइन पर चलेगा, छोड़ेगा नहीं। ये समस्या को सुनने वाला है कौन? कोई नहीं है, जो जीतेगा जो अपना है। नहीं दबाओ की साफ साफ बोलो। नहीं नहीं नहीं, नेताजी जीत करके अपना घर बनाते हैं, कोई गरीब को तो देखते नहीं है। उस समय आए थे जो कि वो ठीक है आपके 6 महीने में काम हो जाएगा, आज दिन तक नहीं हुआ। हाथ पांव चलेगा तो समस्या दूर होगी, बाकी कोई दूर नहीं करता है समस्या। हाँ विरोध भी है और नहीं भी है सर। ये हकीकत है सर, बिल्कुल हकीकत है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ पे कम से कम 15 साल से बीजेपी राज कर रही है, तो उतना कुछ हमें देखने को मिला नहीं है, तो इसलिए पब्लिक भी अब की बार आगे पाची है। ऐसा है, अरे मेरा भाषण करन गया। रोड जस्सागढ़ा से दुधलेश्वर तक कभी चौड़ा नहीं हो सका, अच्छा नहीं हो सका, आने जाने की दुर्दुविधा है, पानी की व्यवस्था नहीं है। 15 साल से ऐसे ही बाधे करके चले जाते, कुछ भी नहीं करते। हिटलवाड़िया में स्कूल की और हमारे छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी और पानी की बहुत समस्या है। मैं तो सर आ जाया हूँ अभी, यहाँ क्या कैसे क्या है अभी पता नहीं चलता। बता दीजिए आप। चिकित्सा है, स्कूल है, स्कूलों में स्कूलें खुल गई, टीचर नहीं है। हर बार भी ये बीजेपी के लहर से वोट इनको मिल रहे हैं, मगर विकास के नाम से कुछ नहीं हो रहा है। सपोर्ट में है भगवान जी, हमारा कर रहे हैं, हमारा जीत जाएंगे। और मतलब संघर्ष 0-0 है और 0-0 रहेगा। चोर नाम का मतलब पैसे खाना में रहता है, पीछे हमारा प्रधान है वो पैसे खाने में मतलब भी रहता है। बहुत बोल रहा है लेकिन वो तो कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हमारा। शंकर सिंह जी नहीं आना चाहिए कुछ भी हो जाए। हमारे तो है दोनों, चाहे कांग्रेस आओ निर्दलीय दोनों में कोई भी आओ, हम तो पैदा हुए जब से ऐसे कोई समाधान करने वाला मिला नहीं, कोई नहीं मिला है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये मोर्चा करनी है। आज कोई डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाकर रखते हैं? आज कोई बरसात के टाइम में मरगत हो जाए कैसे चलाए, कहाँ बैठे कहाँ उठे, बहुत समस्या है हमारे को। यहाँ के तो विधायक कौन है? शंकर सिंह जी रावत है। हमने तो कभी देखा नहीं उनको, आते सीधे गाड़ी इधर जाते रुकती वापस उधर रवाना, बस बहाना बनाते अपना वोट ले देते भाग जाते हैं बस। दौरे के दौरान हम भालिया क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर क्या माहौल है चुनावी चर्चा करते हैं। आपका नाम सर? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी आप भालिया क्षेत्र में किस जगह से आते हैं? मैं अरनाली का यहाँ ही रहने वाला हूँ जी। अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, नेताजी आ रहे होंगे, वादे कर रहे होंगे, क्या लगता है? सभी वादे तो कर रहे हैं, वादे तो सभी कर गए, ऐसा नहीं है। इस बार बड़ी पेचीदा स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है इधर का एरिया पूरा, और ऐसे में दो दो निर्दलीय दावेदार जो बागी तेवर दिखाकर यहाँ पर खड़े हुए, विरोध क्या वाकई में है यहाँ या नहीं है? नहीं विरोध भी है और नहीं भी है, आधा विरोध नहीं है, बाकी सभी पार्टी आ रही है, मिल रही है, जुल रही है, चल रहा है काम, सभी आ रहे जा रहे, सबकी रैली निकल रही है। आपका शुभ नाम? दौलत सिंह। दौलत जी क्या है भाले की स्थिति, क्या लगती है आपको? ये स्थिति यही आ रहे जा रहे हैं, बस ये स्थिति है। वैसे कांग्रेस वैसे भी इधर नहीं है, बीजेपी है टोटल, बीजेपी की तरफ। इधर कहते हैं कि इंद्र सिंह बागावास और महेंद्र सिंह रावत, और वो भी ये बागावास वाला ही है। इधर तो बीजेपी वैसे चल रहा है, शंकर सिंह आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, अपन तीनों पार्टी आ रही जा रही है, पर फाइनल नहीं है बराबर, सबका स्वागत दे रहा है इधर। तीनों एक से बराबर लग रहे हैं तीनों। अभी वर्तमान स्थिति में तीनों आपको बराबर लग रहे हैं? बराबर लग रहे हैं, जो भी यार उनको सम्मान वो कर रहे हैं, फाइनल नहीं तो एंड में फाइनल होगा क्या है नहीं। आपका शुभ नाम सर? विजय सिंह। विजय भाई, विजय भाई भालिया में अभी बागी तेवर इतना विरोध, और जिस तरह की बातें जो बिहार विधानसभा में शहर के अंदर गूंज रही है, वो विरोध की उठ रही है, क्या वाकई में ये सच्चाई है? सही सच्चाई है सर। कारण क्या है? कारण तो वो मेरे को गाड़ी चला दो सर, मेरे को इधर ग्वालियर ज्यादा नहीं रहता। शुभ नाम बताया सर? किशन जी। किशन जी यहाँ पर चूंकि आपने एक चौराहे पर ये दुकान लगा रखी है, भालिया के तमाम गाँवों से लोग आते होंगे, चुनावी चर्चाएं चलती होगी, क्या लगता है अभी? अभी इसमें तो तीनों आ रहे पार्टी और तीनों चलती है, तीन चारों। यहाँ कांग्रेस का दबदबा बिल्कुल नहीं है या है वाकई में? कांग्रेस का तो अभी फिलहाल नहीं है यहाँ। तो भाजपा का ही क्षेत्राधिकार यहाँ पर अधिकतर समय से रहा, लेकिन इस बार दिखा है कि बागी तेवर बहुत ज्यादा मजबूत दिखे हैं, क्या कारण है, विरोध का कारण क्या होगा? विरोध का तो अभी हमारे को क्या नॉलेज इसमें क्या। आपका नाम बताए? लोकेश भाई। लोकेश जी आप कहाँ से, कौन से गाँव से? रूपनगर अरनाली से। अरनाली से है। अभी चुनावी माहौल चल रहा है इधर, भाजपा का गढ़ माना जाता है, दो निर्दलीय दावेदार भी उतरे हैं बागी तेवर लेकर, किसका दबदबा इधर है? अब तो सर देखो दबदबा तो हाल फिलहाल तीनों सरकार का है, किसी का भी कुछ कह नहीं सकते, पार्टी सब आ रही है, सब अपना अपना प्रचार कर रही है, ये तो भी फिर लास्ट में मालूम पड़ेगा क्या है।
ऐसे का अभी जो हवा चल रही है वो कई लोगों से हमने बातचीत की है, ऐसा सुनने में आया कि भालिया क्षेत्र में भारी विरोध इस बार देखना को पड़ रहा है भाजपा का, कारण है कि कई समस्याओं को लेकर बातें, ये क्या हकीकत है? सर ये हकीकत है सर, बिल्कुल हकीकत है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ पे कम से कम 15 साल से बीजेपी राज कर रही है, तो उतना कुछ हमें देखने को मिला नहीं है, तो इसलिए पब्लिक भी अब की बार आगे पाची है, ऐसा है। क्या लगता है कौन जीत सकता है? तो अब की बार तो देखो किसी का कुछ भी नहीं कह सकते हाल फिलहाल तो बाकी महेंद्र सिंह का हमारे यहाँ पे पलड़ा भारी है और बीजेपी का भी पलड़ा भारी है, ऐसे किसी के भी हाल फिलहाल कुछ नहीं कह सकते अभी, मतलब टाइट स्थिति है। भाई आपको नाम कही ऐसा को आप नाम कही ऐसा गुलाबी भाई, गुलाबी भाई वोट दे जाओ आप वोट चौको कौन लाग रहे काल आया देखो कौन आया बैटरी वाला आया था महेंद्र सिंह जी आया अच्छा आप था कि समस्या कही है थाने, समस्या तो बताओ कि गांव की समस्या कही है? देखो नहीं पानी की समस्या है, कीचड़ का दड़ा से है देखो। और भी युवा वर्ग और काफी लोग यहाँ पर है बातचीत करते हैं। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम सर वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र सिंह जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पूरा भालिया क्षेत्र है, सबसे पहले तो यहाँ की समस्याएं क्या क्या है अभी जो वर्तमान में बनी हुई है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सर देखो बीजेपी 15 साल से राज कर रही है, ये रोड जसागढ़ से दुधलेश्वर तक कभी चौड़ा नहीं हो सका, अच्छा नहीं हो सका, आने जाने की दुर्दुविधा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, 15 साल से ऐसे ही बाधे करके चले जाते, कुछ भी नहीं करते। तो इस बार भालिया में क्या लग रहा है, दूसरा आएगा कोई सर? अब देखिए ये तो कहा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा नहीं है, यहाँ पे भाजपा का दबदबा रहा है और भाजपा समर्पित जो लोग हैं उन्हीं का रहता है। अभी दो बागी तेवर दिखा के दो जनों ने बहुत अच्छी ताल ठोक रखी है, यथावत प्रैक्टिकल स्थिति क्या है यहाँ की? देखो सर हम तो महेंद्र सिंह के साथ में जाएंगे कि वो हमारे नज़दीकी से अच्छे कुछ वादे कर रहा है और नया चेहरा तो कुछ अच्छा करेगा, इसके लिए उसके साथ में जाएंगे सर। ठीक है आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र भाई आप किधर हो? मैं इधर ही बैठता इधर ही, हम महेंद्र सिंह के साथ में, सब हमारे एक ही परिवार के, टोटल गांव के एक ही है। अच्छा। महेंद्र सिंह की मैं बात करूं तो ऐसे आरोप लगे थे कि निजी तौर पर भी उन्होंने बहुत आरोप लगाए भाजपा प्रत्याशी शंकर सिंह रावत के ऊपर, ऐसा विरोधाभास भी देख रहे? सही बात, नॉर्मल सही बात है, वो सबको मालूम है जो उन्होंने बोला वो सही है, जो वाजिब है जो वाजिब सही है, सबको मालूम है वो। तो अगर जनहित की बात करें तो वाकई में यहाँ की जनता वाकई में पीड़ादायक है? पीड़ादायक है ना जनता, पूरी पूरी जनता से सब पीड़ादायक है, सबके प्रॉब्लम है सबके। अभी हमारे पानी की टंकी नहीं है, कुछ नहीं है, अभी लाइट है, 15 साल हमारा कुछ विकास नहीं हुआ इधर हाल फिलहाल, इसलिए सब परेशान है इधर हमारे गांव में टोटल। ठीक, आपका नाम बताएं? रेखा देवी। रेखा जी आप कौन से गांव से? अरनाली रूपनगर। अरनाली से, तो अरनाली और जो आसपास के गांव हैं आपके, यहां पर अभी कौन कौन सी समस्याएं बरकरार है? हमारे हिटलवाड़िया में स्कूल की और हमारे छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी और पानी की बहुत समस्या है। तो अभी चुनाव आ गए हैं, नेताजी भी आ रहे होंगे, वादे कर रहे होंगे, कोई नेताजी से मिलना हुआ अभी तक? इधर कोई आए? या आए थे ना महेंद्र सिंह। और कोई आया? और तो शंकर सिंह जी आए। ठीक है, क्या लग रहा है शंकर सिंह जी भी आए, महेंद्र सिंह रावत भी और एक इंद्र सिंह बागावास भी इधर नाम चल रहा है, ऐसे में कौन मजबूत दिख रहा है आपको महिलाओं के नाते? अभी है तो फूल वाले ही है बीजेपी वाले। अच्छा, और इधर महेंद्र सिंह रावत और इंद्र सिंह बागावास भी मैदान में कूदे हुए हैं, उनकी स्थिति क्या मजबूत है या नहीं इधर? महेंद्र सिंह की है। ये गांव कौन सा है? बड़ा खेड़ा। बड़ा खेड़ा, ये भालिया क्षेत्र जो है, इस भालिया क्षेत्र में अभी चुनावी माहौल चल रहा है, किसका दबदबा कायम है? अभी मैं तो सर आ आया हूँ अभी यहाँ, क्या कैसे क्या है अभी पता नहीं चलता। फिर भी क्या सुना आपने अभी तक, कुछ लग रहा है? अभी तो देखो ये सब चल रहा है, कोई बीजेपी बोल रहे हैं, कोई वो निर्दलीय वाले बोल रहे हैं, इसीलिए। बाबूजी का नाम? हनुमान सिंह जी। भालिया क्षेत्र है पूरा? हाँ। वो गांव किस वैसा? बड़ा खेड़ा। बड़ा खेड़ा, बड़ा खेड़ा में चुनावी माहौल है, नेताजी आ रहा है, वादा वादा कर रहा है बहुत सारा, कई अट्टे की समस्या कई कई है? समस्या तो बहुत है जी, सड़कों टूट रही है, मंदिर पर को कोई रास्ता भी नहीं है बराबर। हाँ, 17 साल हो गया है, मैं कहकर सुने को नहीं कहता कोई। अरे कोई सुनाई नहीं करे, कोई सुनाई नहीं करिया है। हाँ, अब अटे 17 जना खड़ा होया, चुनाव आ गया, पाचा वोट लेवा आया पाचा, जोरा बेकार एरिया है। हाँ सर, जोरा बेकार एरिया, सड़कों बेकार एरिया है। हाँ, तो आप कहते शिकायत करी नेताजी, नेताजी ने बोलियो? अरे मैं तो यहाँ नहीं था, मैं तो अभी आया हूँ।
हाँ बकरियों से मैं अभी आया हूँ। हाँ तो अब कई लगा चुनाव में जो जो खड़िया है की को दबदबा है टक्की की मजबूती देखो है। जिसको देना हो जो उसे जिसको दे देंगे हम तो हाँ। हमको जो देना है हाँ हमको जो देना है किसी को भी दे देंगे हम। पर समस्या आपकी बहुत पुरानी है। हाँ समस्या जो है दोनों की समस्या है सड़कों की मौके स्कूल बनने की वो भी नहीं बन रही है। हाँ गाँव को आप बड़ा खेड़ा में अभी क्या क्या समस्या आपके मुताबिक? समस्या बहुत चल रही है। गाँव नहीं मिल रहा है किसी को देने वाले को दे रहे हैं और गाँव में राशन कुछ नहीं मिल रहा है और इंदिरा आवास में ही कोई नाम ही नहीं है। 2020 में फोटो कौन दे गया जिसका भी नाम नहीं आया ना कच्चा मकान है हाल तक अभी मेरे। तो गुलाब भाई अभी यहाँ पर जो भाजपा प्रदेश शंकर सिंह रावत है महेंद्र सिंह रावत है इंद्र सिंह बागावास है कुछ नहीं है कौन की दबे में हम लोग तो कौन ही चाल रही हो कौन मजबूत दिख रहा है आपको? भाई मजबूत तो मैं नहीं कह सकता साहब हमारे मर्जी होएगा तो देंगे जिसका बटन दबा देंगे और क्या पर विकास नहीं है। ठीक है भाई साहब आपका नाम बताएं। नाम दिलीप सिंह है। दिलीप जी क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल में कौन दबदबा दिखा रहा है यहाँ भलिया क्षेत्र में? अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। शंकर सिंह तो कुछ काम का नहीं रहा 15 साल से उसकी शासन चल रहा है 15 साल में कुछ विकास नहीं हुआ इधर। अब ऐसे में भालिया के बीच में ऐसे संशय पैदा हो गया कि महेंद्र सिंह रावत भी और इंद्र सिंह बागावास भी है ऐसे में दोनों अपनी दावेदारी यहाँ भालिया क्षेत्र में दिखा रहे हैं क्या लगता है दोनों के नजरिए से? लग तो बागावास का लग रहा है इधर बागावास का लग रहा है ज्यादा। बोर सिंह बोर जी आप गाँव का ही हो? हाँ अरे वर्तमान में बार कही कई समस्या है गांव की जो दूर नहीं हुई तो रोड देखो जी। अब आज चुनावी मैदान में बहुत जना नेता खड़ेड़ा होया है कई लगा है कौन मजबूत हो सके? अबे वह तो मैं देख लो नहीं कर रोड को तो जैसे कह रहा हूँ बराकन तो कोई मतलब को नहीं रोड को तो 17 साल में कहते कहीं सुनवाई नहीं होगी कोई सवाल इसको नहीं तो अब पाचा वोट लेबा आ गया है सब नेता बेटा तो कोई करो वोट देना आ गया वो रोड तो ठीक नहीं भेज रहा नहीं वोट तो आपको अधिकार है वोट तो आपने देना चाहिए पर कौन ला गए जो आप लोगों की समस्या सुन सके आपके मुताबिक कौन है सुनी तो? अबे वह तो मैं जांच नहीं की वोट तो दो वोट तो दिया। सर आपका नाम बताएं। प्रेम सिंह मेरा नाम। प्रेम सिंह जी कौन सा गांव है आपका? बराखन भालिया क्षेत्र आ गया पूरा। अभी वर्तमान में भालिया क्षेत्र की कौन कौन सी समस्याएं हैं? भालिया क्षेत्र की समस्या तो क्या है साहब समस्या तो बहुत ज़्यादा है जी। लेकिन बता नहीं सकते पूरी समस्या। इतनी समस्याएं हैं क्या? अच्छा अभी चुनावी माहौल आ चुका है नेताजी आ चुके हैं वादों की बातें चालू हो गई है वापस वही विकास की बातें करने सब लोग आए हैं क्या लगता है यहाँ की परिस्थितियाँ क्या बोल रही है? यहाँ की परिस्थिति तो बहुत है सर मैंने आपको पहले बता दिया ने। हाँ क्या? अरे परिस्थितियाँ तो बहुत है। नहीं विकास समस्याएं ये तो है। अभी जो नेताजी आए हुए हैं देखो शंकर सिंह रावत महेंद्र सिंह रावत इंद्र सिंह बागावास तीनों अपना दबदबा यहाँ पर रखते हैं ऐसे में अभी कौन मजबूत स्थिति में दिख रहा है? शंकर सिंह दिख रहा है। ठीक है आपको क्या लगता है यहाँ पे? हाँ देखो साहब हम तो शंकर सिंह के बीजेपी में थे रहेंगे और हैं। अब आप पूछेंगे मेरे क्यों है ना तो इसका जवाब ये है आज भारत में ऐसी कोई पार्टी लगती है आपको जिसने हिंदू का हित किया है? तो मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते बीजेपी को वोट दूंगा मुझे विकास नहीं चाहिए। फूल सिंह जी भले की स्थिति क्या है अभी चुनावी माहौल में? ठीक है सब बहुत सारे नेताजी आए हुए हैं क्या लगता है कौन मजबूत है यहाँ पे? हाँ मजबूत बता दीजिए आप। अच्छा ठीक है आपका नाम कहिए सर। बबरी देवी। बबरी जी महिलाओं के नाते आपके मुताबिक मैं आपसे पूछता हूँ महिलाओं की समस्याओं को आप ज़्यादा समझती हैं तो महिलाओं की क्या क्या समस्या है उस पर बताइए पहले। सब यही है यही लाइन पर चलेगा छोड़ेगा नहीं क्या? हाँ अच्छा अटा कौन मजबूत नेता कौन है? अच्छो नेता कौन है अटा एक शंकर सिंह रावत है महेंद्र सिंह रावत बता रहे हैं एक इंद्र सिंह बागावास है आप किन्हें पसंद करो? तो आप सब दे दिया आप दे दो क्या लगता है कौन मजबूत स्थिति में यहाँ? बागावास आपके मुताबिक कौन अभी ज्यादा मजबूत है? हमारा बागावास। बागावास मजबूत है पूरे भालिया क्षेत्र में या आपके इस गांव? भालिया क्षेत्र में बागावास। कारण क्या है उस बार इनको समर्थन देने का? अभी कोई विकास कर नहीं रहा तो बागावास ने वादा किया अभी हम विकास करेंगे तो हम उनके सपोर्ट में। अभी बहुत एक बात बताओ
अरे चुनावी माहौल हो रहा है, बहुत सारा नेता आ रहा है, वादा कर रहा है, कौन चौको था के मुताबिक वाला भाई? आपका नाम क्या? तेजपाल सिंह सर। तेजपाल भाई, यहाँ पर अभी वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है चुनाव में? अभी तो बागावास के चल रहा है सर, सभी बागावास को देने के लिए बोल रहे हैं। क्या नाम है? कुलदीप है। कुलदीप, वोट लगता है आपका? लगता है ना। कौन सा गांव है आपका पहले बताओ? खेड़ा ही है। अभी नेताजी को आपने देखा होगा, दौरे कर रहे हैं लगातार, वादे भी कर रहे हैं, तो अब जब आप वोट दे चुके हो तो आपको क्या लगता है आपके यहाँ पर कौन ऐसा नेता है जो आप लोगों की सुन सकता है? बागावास हमारे। क्या नाम है सर आपका? देवी सिंह। देवी जी, देवी भाई, अभी आपके गांव में क्या लगता है, क्या स्थिति चल रही है अभी चुनाव में? सही चल रही है। जो जो खड़े हुए हैं कौन मजबूत है आपके मुताबिक? मजबूत तो सब बरोबर है, किसकी बात करें अपन, सब सही है अपने लिए तो सही। अच्छा, अगर गांव की समस्याओं के बारे में बात करें तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो नेताजी को सुननी चाहिए? ये तो सरकार है, उसको उसको सुनना पड़ेगा ना, बाकी कौन सुनेगा? नहीं, विधायक भी सुनेगा ना। हाँ, विधायक सुनेगा। और विधायक आप ही तो बनाकर भेजोगे? हाँ, तो किसको बनाना चाहिए? अच्छा आदमी को देंगे वोट। हाँ, अच्छा वो तो बता दो, अच्छा आदमी था के मुताबिक है कौन? अच्छा सब अच्छा है, वो जीतेगा जो अपना है, सही ना? जो जीतेगा जो अपना है। नहीं दबाओगे वो, साफ साफ बोलो। नहीं नहीं नहीं, दबा नहीं। मन की बात बताओ। ये मन की बात बता दी मैंने आपको। क्या क्या बताऊँ, जो मन में है? मन में तो वही है जो सरकार चल रही है, जो सरकार किसकी अभी? अरे समझ में बड़ा समझ जाओ। हाँ नहीं, ब्यावर में या राजस्थान में? राजस्थान की। नेताजी घना आ रहा है, वादा वादा कर वो जा रहा है, कहीं लागे क्या झूठा वादा है या कोई असल में सुनी आपकी? आधा झूठा आधा सच्चे, ऐसे ही है, कोई आधा तो झूठ ही बोल रहे हैं। हाँ, महिला को कोई फायदा नहीं है, महिलाओं के लिए कोई फायदा नहीं है। महिलाओं की समस्या भी रखो आप नेताजी के सामने। हमारे गांव में गलियां मतलब कच्ची पड़ी हुई है, कोई गरीबी तो कोई सुनते ही नहीं है, तो क्या मतलब नेताजी जीत करके अपना घर बनाते हैं, कोई गरीब का तो देखते नहीं है, तो फिर क्या फायदा? अच्छा आटे घर से वोट देने निकलना है? नहीं, सच्चे नहीं, मजदूरी करे तो है, मजदूरी नहीं करे तो वाह क्या कुछ नहीं है, अपना पेट खुद को पालना होता है। होता है, लेकिन मतलब आगे वाला तो कुछ कमाई तो देते तो होता है, होते नहीं। सही बात है। ऐसा अब जो अटे नेताजी घूम रहा है, दो निर्दलीय भी है, एक फूल से भी है, कई एक ही को दबदबो लाग रहे बार। देखो हमारे को तो ऐसे लगता है कांग्रेस आएगी। सर नाम बताएं अपना। मेरा नाम रमेश सिंह है। रमेश जी, पहले तो मैं गाँव की समस्या पर सीधा जानना चाहता हूँ, मुख्य समस्या बताइए पहले। बहुत बड़ी समस्या, पहले समझाते सर रोड की समस्या, रोड है ना, फिर देखो आप जिस हद से आप चले उधर से रोड इतना ख़राब है ना, 15 साल MLA साहब रह गए पर हमारी रोड की कोई सुध नहीं ली अभी तक, और पानी भी है, पानी की बिचल पाइप तो आई पर पानी नहीं है उन्होंने। नहीं सर, दो चीज़ें तो बहुत बड़ी समस्या है, मूलभूत सुविधा यही होनी चाहिए, फिर चिकित्सा है, स्कूल है, स्कूलों में स्कूलें खुल गई, टीचर नहीं है, शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। समस्या पर्टिकुलर इस गांव की है या आसपास कहां से कहां तक? पूरे पालियों की है हमारी, कम से 8 ग्राम पंचायत है, सब में यही समस्या है, टीचर है ही नहीं, स्कूल खुल गई, बच्चों की शिक्षा बहुत पिछड़ रही है, ये विधायक साहब 15 साल रह गए मगर कोई काम के नहीं है। सर एक बात बताइए, ये गढ़ अक्सर भाजपा का गढ़ माना जाता है सभी बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस का दबदबा यहाँ नहीं रहा शुरू से, यहाँ पर देखा गया, अब वर्तमान में ऐसे में तीन दावेदार यहाँ पर खड़े हैं, तीनों ही बीजेपी समर्पित हैं, अब ऐसे में कौन है, क्योंकि पशुपेश की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि एक तरफ फूल की तरफ जाए और दूसरे भाजपा समर्पित बताए जा रहे हैं और दबदबा यहाँ पर कायम कर रहे हैं, मजबूत कौन है यहाँ? सर वैसे देखिए मजबूत हमारे इंद्र सिंह बागावास है कि बहुत एक्टिव आदमी है और शायद लहर बहुत अच्छी चल रही है, इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, है ना, लोग पूरी जनता उब गई है 15 साल से विधायक साहब से जो शंकर सिंह जी, इसलिए अब की बार परिवर्तन होकर रहेगा। किसी किसी समस्या है? कोई समस्या रोड की है, कोई की काम काज की है, कोई सभी है। हाँ नाम सर तारू सिंह। तारू जी, कौन सा काम है आपका? बराखन। बराखन जी, चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है ब्यौर विधानसभा में। हाँ जी, अभी यहाँ पर बराखन में क्या स्थिति है? बराखन में सर करीब करीब तो वैसे भी देखा जाए तो 15 साल हो गए, 15 साल हमारे MLA शंकर सिंह जी को हो गए, और हर बार भी ये बीजेपी की लहर से वोट इनको मिल रहे हैं, मगर विकास के नाम से कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बगावती तेवर दिखाकर दो चेहरे यहाँ पर भालिया में आए हैं, एक इंद्र सिंह बागावास और एक महेंद्र सिंह रावत, क्या लगता है? उनका भी जबरदस्ती है, मगर जबरदस्त तो इनका है क्योंकि वो फर्स्ट बार
आए हैं रावत के नाम से और बागेवास की जीत रहेगी बालिया में। कौन से गांव से हो? कड़ियाप्पा से। वहाँ की अगर मैं समस्याओं की बात करूँ तो अभी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जहाँ की वहाँ की जो जनता है वो जूझ रही है उससे? वहाँ तो सब ठीक है, बस नल वलने लगे रही है, ये है, बाकी सही है। युवाओं के लिए आसपास कोई सुविधाएं हैं या नहीं, और होनी चाहिए तो कौन कौन सी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए तो क्रिकेट का मैदान होना चाहिए हमारे लिए, मतलब हर चीज़, कोई घर बैठ रहे तो उनकी नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए हमारा सपोर्ट में है भगवान जी, हमारा कर रहे हैं, हमारा जीत जाएंगे और मतलब संघर्ष इंद्र 0-0 है और सिंह 0-0 रहेगा। चोर नाम का मतलब पैसे खाना में रहता है, पीछे हमारा प्रधान है वही पैसे खाने में मतलब भी रहता है, हमारा मतलब कोई सहयोग नहीं। हरी सिंह। हरी जी। हरी सिंह। कौन से गांव से हो? बराखंड से। बराखंड से ही हो। बराखंड की कौन कौन सी समस्याएं हैं? बराखंड की समस्या तो ये है सर, हमारे तो ये रोड गलियां भी सब ऐसे ही पड़ी है, सब बनी हुई है, तो इसको भी तोड़ा दिए मैंने, और क्या कोई काम ही नहीं कराया, रोड का काम भी नहीं हुआ हमारे। तो नेताजी को कहा नहीं क्या? बहुत बोला लेकिन वो तो कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हमारा। तो पिछली बार देवेंद्र जी खड़े हुए थे, बाराखंड ने और तमाम या आसपास की जनता ने उनको पसंद किया था, क्या तो था? क्या उस कारण से नाराजगी तो नहीं है शंकर सिंह जी की? नहीं नहीं, उससे नाराजगी नहीं है, हमारे तो इधर कोई विकास ही नहीं हुआ तो फिर उसको हम वोट ही नहीं देंगे ना। जीवन जी, बहुत सारे नेता हैं चुनावी माहौल में भी आ रहे हैं, ऐसा आपको कौन लगता है कौन सा नेता होगा जो आप लोगों की समस्याओं को सुन सकता है, समाधान कर सकता है? अभी सुने नहीं सुने, हम तो सब मोदी जी की लहर में ही है जी। आपको क्या लगता है आपके गांव की समस्याओं को कौन सुन सकता है और समाधान कर सकता है? मोदी जी कर सकते हैं। क्या लगता है किसकी मजबूत स्थिति दिख रही है? अभी मेरे को भी कोई मालूम नहीं कौन खड़े नहीं है, उनको तो भी कुछ पता नहीं। मेरा नाम डगराम जी है जी, बराखंड से मैं हूँ और जीतेगा पासनाथ पारस जी। पारस जी जीत रहे हैं। जीतेंगे कैसे? क्या नजरिया नहीं हो? नजरिया नहीं, जो बुरा नहीं बोलने का, जो पासनाथ जीतेगा या संसद जीतेगा, दोनों में टक्कर है, टक्कर है। हम ना किसी की बीड़ी की इच्छा नहीं करते, क्या बीड़ी पिलाओ बहुत नाम नहीं, जो जीतेगा जो अपना, हम कोई किसी का खाने वाला नहीं है, फ्री का खाने वाला नहीं। राम सिंह। राम जी, आपका गांव कौन सा है? सत्तू खेड़ा पंचायत। हमारे वो नेता सारे आते गरज होती है लेने, वोट लेने के लिए आते हैं, वापस को काम का कोई काम नहीं करवाते हैं, सब खुद का देखते हैं मतलब, और अपना अपना देखते हैं, अपना अपना काम करते हैं, हमारा तो कोई वोट की टाइम में जाते हैं ना, वापस वोट का वोट निकलने के बाद वापस आते ही नहीं है, तो हमारे समस्या आप भी आ रहे, रोड देखो रोड कैसा हो रहा है, कैसा रोड है, तो कोई कोई सुधार नहीं है, इधर जाके देखो ये मोडिया रोड है, सारण रोड है, समस्या ने हमारे तो बहन बेटे इधर जंगल में शादी की हुई है, तो रोड सही है नहीं तो गाड़ी नहीं चल रही है, बहुत समस्या हमारे, पानी की समस्या है, लाइटें बहुत कम आती है, कोई सुनने वाला नहीं, कुल मिला के दर्द है, ये दर्द की सुनेगा कौन आखिर फिर? तो सुनेगा तो कोई भी नेता हो, हमारे नेता आके या हमारे वो देखभाल करे, जब वोट लेने के लिए ही आते हैं, सेवा तो करे, काम वोट लेने मांगने आते, जैसे वोट मांगते उसका काम भी करो ना। लो भाई, क्या लगता है कि आपको कोई है मजबूत ऐसा? अबे जय हमारे तो, हमारे तो ये वो होना चाहिए अपने जगह, उनका क्या बदलाव होना चाहिए। हाँ, तीन जने यहाँ पर आपके इस एरिया में दबदबा रख रहे हैं, महेंद्र सिंह रावत, इंद्र सिंह बागावास और शंकर सिंह रावत, कोई है अच्छा नेता जो आपकी सुनेगा? हमारे तो शंकर सिंह जी नहीं आना चाहिए कुछ भी हो जाए, हमारे तो है दोनों, चाहे कांग्रेस आओ निर्दलीय दोनों में कोई भी आओ, हमारे काम अच्छा है, वो नए नए कैंडिडेट करेंगे काम हमारे। गाँव रहो आप? दौड़ होता कई लाग रहे हो, चुनावी माहौल चल रहे हो, नेताजी आ रहे हैं वोट मांगवाने, फिर अब मांगने तो सब आ रहे हैं, अपन तो अपने अपने हिसाब दे वोट। समस्याएं तो बताओ। समस्या तो यहाँ बहुत भी है, ठीक है कर रहे हैं, अब ये समस्या को सुनने वाला है कौन? कोई नहीं है। यहाँ के बजट कभी कई बार पास हुए हैं, वो बजट का क्या हुआ, कुछ सुने? कोई नहीं सुनता। तो हम तो हमारी इच्छा अनुसार वोट देंगे। तो कोई मजबूत आवेग होनी जो थाकी सुन सके, या कई स्थिति है गांव वाला की सब मजबूर दर्द में है बस? आजकल सब पार्टी पॉलिटिक्स का मामला है, आप यहाँ शेर से लिंक जुड़े होते हैं, इनका घर बना जाते हैं, इस बात को सुना कभी? मेरा नाम भंवरलाल है सर। भंवर जी, आपको गांव की सजा? वही है, बराखंड गांव है। बराखंड ने कई स्थिति देख रही है बराठे चुनाव में? अब स्थिति तो आर्या है प्रचार के लिए, हाँ
निर्दलीय भी आ रहा है, शंकर सिंह जी भी आ रहा है और पार्श पंच भी आ रहा है, सब आ रहा है। मजबूत कौन है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कौन मजबूत है। देखो साहब, जीत हार तो उन पे है, एक वोट की जीत और एक वोट की हार होती है। नहीं, गांव ने दे, गांव की स्थिति को देखते हुए कहीं लाग रहे? गांव की स्थिति तो मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, अपन तो अपन स्वतंत्र है, अपना वोट जिसको देना है दे देंगे। मनोहर जी, गांव कौन सा आपका? राजगढ़ मालातो की वीर। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इधर क्या स्थिति दिख रही है अभी? अभी हाल में तो बीजेपी का है चल रहा है इसे। बागी उम्मीदवार के रूप में भी महेंद्र रावत और इंद्र सिंह बागावास भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका भी क्या स्थिति है? हाँ, उनका भी है, उनका भी है। अगर मैं समस्याओं की बात करूँ तो इधर टारगेट क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अभी भी बरकरार है? समस्या तो देखो, एक तो रोड की है ज़्यादा, ठीक है, और टाइम से लाइटें वाइटें ये भी नहीं है, और पानी की व्यवस्था, जैसे अभी ऊपर की गुहार है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की व्यवस्था बहुत की, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है पानी से। वैसे आपका नाम बताएं? ये हैं बाबू सिंह। बाबू जी, आप कौन से गांव से? ऊपर की गुहार है, बालतेवेर में। जी, आप बताएं यहाँ की समस्याओं के बारे में कुछ? सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी की है साहब, टंकी बड़ी भरी पड़ी है लेकिन पानी की सुविधा नहीं है। ये कितने समय से ये समस्या बरकरार है? हम तो पैदा हुए जब से ऐसी है, कोई समाधान करने वाला मिला नहीं? कोई नहीं मिला है। तो नेता आते हैं, वादे करते हैं, करते हैं और चले जाते हैं, और क्या, अभी तो हो जाते, जीतने के बाद में कोई नहीं आएगा, और क्या करेंगे वो। क्या नाम है आपका? राम सिंह जी। कहाँ के हो? वो हमारे तो बराकन पंचायत लगती है, लगती है, पर लेकिन मेन चीज़ तो ये है, टारगेट उपखंड है जी। उपखंड है, उपखंड के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये, मोर्चा अगर नहीं, आज कोई डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाकर रखते हैं? आप साथ में चलो मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ के, मैं आपको बता के ले जाऊँगा एक बार। तो मैं बता रहा हूँ ना, आप मेरे साथ चल जाओ हॉस्पिटल में, बता क्या, तो कुछ भी व्यवस्था वहाँ है क्या? ना तो वो बना हुआ नहीं है। आज कम से कम हमारे को एक डेथ हुई, जानवर ने काट लिया जी। तो आज उस कमरे में ले जाकर रखे तो कोई दरवाजा ही नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे रात वहाँ बैठ के काटी, लकड़ी वकड़ी जला के, फिर भी तो फिर भी कई बार आगे पर लेकिन कोई नहीं बना पाए। ये तो पुरानी समस्या है बहुत। हाँ, वो तो पुरानी है, पर क्या हर बार आते हैं समाधान की कोई बात कही नहीं जाती क्या? कहते नहीं नेताजी को कोई, बस आगे चले जाते हैं, बस कोई करता नहीं, कोई नहीं करता, बस मेन प्रॉब्लम ये है। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, गांव कौन सा आपका? टाटगढ़। टाटगढ़ में रहते हैं आप? टाटगढ़ में भी वर्तमान में स्थिति क्या चल रही है? नेताजी आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, अब इस बार भी क्या आ रहे हैं? कहीं जा रहे हैं तो नेताजी तो उनका तो आना है और वादे करते हैं, पर वादे पूरे होते नहीं। ऐसे कौन कौन से समस्याएं हैं जो वादों के रूप में नेताजी तक पहुंचनी चाहिए और पूरा भी होना चाहिए उनका समाधान? पहले भी शंकर सिंह जी आए थे, वो कहिए हमारे शमशान घाट पे वो तीन सेट लगाने, चार दीवार बनानी, सराय बनानी, क्या हो ये बड़ा बड़ा, ये छः महीने में मेरे भाई साहब थे वो जिला परिषद सदस्य, वो शांत हो गए तो उस समय आए थे, जो क्या वो ठीक है आपके छः महीने में काम हो जाएगा, आज दिन तक नहीं हुआ। ये कितने समय पुरानी बात है? ये भी है एक साल डेढ़ साल पहले। तो अभी किसको वोट दें? किसी को मतलब नहीं देंगे, किसी को नहीं। अभी उन्हीं के विरोधाभास के चलते दो बागी उम्मीदवार भी मैदान में आ गए हैं, इंद्र सिंह बागावास और महेंद्र सिंह रावत भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। इधर टाटगढ़ क्षेत्र में क्या स्थिति बनी हुई है उनको लेकर? टाटगढ़ में तो आ रहे हैं महेंद्र सिंह जी, नहीं तो कर सब आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, दोहरे हैं, आ रहे हैं, वही वादों वाली बातें चल रही है, वही बात है। ये देखो ना, ये भी पर्चे दे रहे शंकर सिंह जी, कहे मैं रात हूँ रावत में कोई जात नहीं होती, ये नहीं होती, ये तो ऐसा कर रहे हैं अभी। तो मतलब जातिवाद का पेज वर्क भी यहाँ दिख रहा है? दिख रहा नहीं है। तो आपके मुताबिक क्या मतलब कैसी राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं लगता ये जातिवाद धर्म और ये तमाम चीज़ों को बीच में लाना कितना सही होगा? नहीं तो गलत है ये, गलत। विकास के नाम पर? हाँ, विकास के नाम पर तो गलत है यार, जातिवाद से क्या मतलब, आपको वोट लेना है तो जाति से क्या मतलब, जाति कोई भी हो। बहू जी, आपका नाम? पूनम चंद नाम है सर। पूनम जी, आप क्या बोलोगे यहाँ की स्थिति के लेकर? यहाँ की स्थिति बिल्कुल ठीक है साहब, वही बात है, शमशान घाट में डेढ़ साल से हमने पंचायत में रिपोर्ट दिए, कोई सुनी नहीं है। आज कोई बरसात की टाइम में मरगत हो जाए कैसे चढ़ाए, कहाँ बैठे कहाँ उठे, बहुत समस्या है हमारे को, देख लो बेचारे। इतने सालों पुरानी समस्या है, क्या कभी आपने नेताजी के बीच में रखी क्या ये? जब से लेके आज दिन तक ये कोई समस्या, ये वही हाल है, कोई तीन सेट, कोई सराय, कोई कुछ नहीं है, जब से टाटगढ़ बसा जब से लेके शमशान वो वही है, पर कोई मतलब शमशान एक का नहीं, सात सात जने का शमशान है वहाँ।
यानी सड़क पानी बिजली मूलभूत जो समस्याएं हैं वो तो है ही बरकरार, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या टाटगढ़ उपगण जब से बसाया तब से शमशान को लेकर यहाँ पर बहुत विकराल स्थिति पैदा हो चुकी है, लेकिन वादा किया जाता है लेकिन वादा निभाया नहीं जाता। और एक बार फिर ये मुद्दा बनकर आया है कि आखिर में टाटगढ़ क्षेत्र को क्या उसके शमशान स्थल की चार दीवारी और टिनशेड और सही तमाम सुविधाओं के साथ में मुहैया करवा पाएंगे नेताजी, ये सवाल बड़ा होगा इस बार टाटगढ़ उपखंड क्षेत्र के लिए। मेरा नाम राजू लाल। राजू भाई आप कहाँ के? टाटगढ़ के। टाटगढ़ में भी चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, पहले तो मैं आपसे समस्या जानना चाहता हूँ कि मुख्य समस्या अभी भी क्या है जो बरकरार है? अपने तो कोई समस्या नहीं है, हाथ पांव चलेगा तो समस्या दूर होगी, बाकी कोई दूर नहीं करता है समस्या। हाँ बस। अच्छा नेताजी आते हैं वादे करते हैं मतलब सब खोखले हैं फिर? तो हमको तो यही दिखता है, खोखले ही दिखते हैं और क्या दिखते नहीं। तो क्या टाटगढ़ का दर्द किसी ने समझा नहीं है? समझा नहीं है और कोई समझते भी नहीं है। सुरेश जी बताइए टाटगढ़ की क्या स्थिति अभी? टाटगढ़ स्थिति बहुत गंभीर है, टाटगढ़ स्थिति बहुत गंभीर है, मतलब किसी चीज़ का कोई विकास नहीं है, जो चीज़ की जरूरत है आम पब्लिक को उसकी कोई मतलब देख रेख ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। समस्या की बात करें तो अभी क्या क्या समस्या है यहाँ पर है? रोड की समस्या लो, लाइट की समस्या लो, पानी की समस्या लो, चार चार दिन में एक बार पानी आता है, यानी सब मूलभूत आवश्यकता है जो इंसान की होती है उसको भी तरस रहे हैं। तरस रहे हर चीज़ के लिए तरस रहे, मतलब लाइटें एंड टाइम पे खाना बनाने वक्त होगा खाना खाने उस टाइम लाइटें चली जाती है यहाँ पे, मतलब बातें बड़ी बड़ी बहुत करते हैं लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, खाली खोखले कुछ वो कागजी कार बस। तो कभी कोई नेताजी यहाँ पे आए होंगे तभी कभी कोई बात रखी हो? यहाँ के तो विधायक कौन है? शंकर सिंह जी रावत है, हमने तो कभी देखा नहीं उनको, आते सीधे गाड़ी इधर जाते रुकती वापस उधर रवाना बस, और कुछ भी नहीं है। तो अभी उन्हीं के विरोध को चलते देखते हुए महेंद्र सिंह रावत का कहना है कि बहुत भारी विरोध है इस क्षेत्र में, इस चलते मैं यहाँ मैदान में कूदा हूँ। इंद्र सिंह बागावास भी इस मैदान में कूद गए हैं, पारसमल जैन जो है वो भी इस मैदान में है, क्या लगता है कौन है जो टाटगढ़ का दर्द समझ सकेगा अभी इसमें? तो देखो महेंद्र सिंह जी मुझे अच्छे लग रहे हैं, महेंद्र सिंह जी हाँ शिक्षित क्षेत्र से प्लस मिलनसार व्यक्ति है, ऐसा ब्यावर में कोई प्रॉब्लम तो एक बार खड़े हो जाते किसी भी चीज़ हर तरह की हेल्प के लिए, ये हर बाड़िया में और हर घर में मतलब एक घर से एक किसी एक मेंबर को सर्विस में होना चाहिए, एक बाड़िया में हो चाहे गांव में हो किसी में भी हो, लेकिन एक घर में एक जना को किसी में सर्विस में होना चाहिए सरकारी में, तब हम जानेगा हमारे लिए कुछ करे और कुछ नहीं करा। बाकी ये शंकर सिंह जी रावत 5 साल में जीते उसके बाद एक बार भी नज़र नहीं आए, ये अभी चुनावी माहौल है तब नजर चक्र काट रहे बस, हाँ बाकी हमने कभी देखा ही नहीं उनको, भले आप बता देना लाइव हमको कोई डर नहीं। हाँ बाबू जी आपका नाम? भगवान सिंह। भगवान जी आप भी टाटगढ़ से? हाँ बाड़िया में रहते हैं। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है? लगता तो कुछ कोई ना कुछ करने वाला नहीं, सब बड़े बहाना बनाने वाले हैं, बहाना बनाते अपना वोट ले लेते भाग जाते हैं बस, वोट लेने 5 साल के बाद ही वापस आते हैं, मतलब बातें ही नहीं है बस। अभी तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, आप लोगों का दर्द तो सुनने की बातें की जा रही है। दावे तो सब करते ही हैं, दर्द देखने कौन आता है फिर वहाँ सिटी में से तो कोई निकलता ही नहीं है बस, उधर कोई आता ही नहीं है। अभी गांव बाड़ियों में भी क्या लाइट की प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, कोई देखता है हर चीज़ का प्रॉब्लम ही। तो फिर टाटगढ़ की जनता ने क्या मानस बनाया फिर इस बार? मानस क्या, जनता के ऊपर, जनता जिधर झुकेगी उधर झुक जाएगी बस, दर्द का समाधान तो नहीं होगा। नहीं होगा। कोई रास्ता नजर आता है इन नेताओं के साथ में? तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो फिर नेता कैसा होना चाहिए आपके मुताबिक? नेता पब्लिक को देखने वाला होना चाहिए, पब्लिक में क्या दुख है क्या दुख नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है।